नमस्कार दोस्तों, शांति श्रम न्यूज में आपनु स्वागत छे। चालो नजर करिए आज ना समाचार पर। शांति श्रम न्यूज नी चैनल ने लाइक अने सब्सक्राइब करो अने बेल आइकोन पर क्लिक करो। यात्रा अंबाजी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा देवस्थान ट्रस्ट ने सूत्रोच्चार साथ आवेदन पत्र आपवामां मोहनथाल शुरू कर नहीं आवे तो आगामी दिवसों में उग्र आंदोलन कर विश्व हिंदू परिषद धर्मनगरी शक्तिपीठ यात्राधाम अंबाजी देश विदेश में जगविख्यात है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था केन्द्र एवं यात्राधाम अंबाजी खाते विश्व हिंदू परिषद अंबाजी द्वारा अंबाजी मंदिर में 3 मार्च थी माताजी महाप्रसाद एट के मोहनथाड़ प्रसाद अंबाजी मंदिर में बंद कर तरह विश्व हिंदू परिषद द्वारा मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं साथ देवस्थान ट्रस्ट और कलेक्टरश्रीना विरुद्ध सूत्रोच्चार कर डीसा पूर्व धारासभ्य सस्कानभाई पंड्या डीसा तालुका ने शहर की जनता ने हमेशा पड़खे रही व्यथा समझी हर हमेश मददरूप बनया है। तेरे आज उना मौसम में जगत तात खेडूत पर कुदरत मार पड़ रही है। बटाका नगरी तरीके प्रख्यात डीसा तालुका में वरसाद मवठा कारण बटाका की खेती करता खेडूत पर कुदरत द्वारा जैच कर रही है तेरे लैने डीसा पूर्व धारासभ्य सस्कानभाई पंड्या गुजरात सरकार में रजूआत कर खेडूत ने नुकसान में सहाय आप लिखित में रजूआत कर। धानेरा पंथक में तोफानी वावाजोड़ा साथ छूटो छवायो वरसाद वरसवा दरमियान धानेरा तालुका मांडल गामना वतनी आयदानभाई सुजाजी रबारी ने त्या सवारे 9 वाग्या आजूबाजू खेतर में रहेल छापरा पर वीजळी त्राटकी जो कि कोई मोटी जानहानि टळी गई थी। आयदानभाई ने थोड़ी इजाओ थी थी धानेरा खाते सारवार लीधी थी। हाल तेओ स्वस्थ छे। आ घटना ने पगले आजूबाजू विस्तार में भयनो माहौल उभो थयो हतो। શ્રી શક્તિ મંડપ ડેકોરેશન એન્ડ કેટરસ લગ્ન પ્રસંગે શુભ પ્રસંગે વ્હાઇટ હાઉસ બંગાળી મંડપ સ્ટેજ ચોરી તેમજ મંડપને લગતા તમામ સામાન તેમજ વાસણો ભાડે મળશે। કનુભાઈ ચૌધરી, ડુચકવાડા, તાલુકો દિયોદર, જિલ્લો બનાસકાંઠા। डुंगळी बटेटा पकवता खेडूतोने सहायनी जाहेरात। गुजरातमां छेल्ला 2 दिवसथी पड़ेला कमोसमी वरसादने कारणे खेडूतोने थयेला नुकसानी अंगे राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल तथा कृषिमंत्री राघवजीभाई पटेल द्वारा तात्कालिक सर्वे करवानी तंत्रने सूचना आपवामां आवी छे। दरेक तालुकामां नुकसानीना सर्वेनो रिपोर्ट आव्या बाद सरकार द्वारा आगळनी कार्यवाही हाथ धरवामां आवनार छे। आजे विधानसभामां ज आ जाहेरात करवामां आवी हती। ઘણા સમયથી ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની પરીક્ષા તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે માઠા સમાચાર છે। જીપીએસસીની 2, 2, 9 અને 16 એપ્રિલના રોજ યોજાનારી પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ છે। જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા 2, 9 અને 16 એપ્રિલના રોજ યોજાનારી મુખ્ય પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે। 9 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જુનિયર ક્લાર્કની યોજાનારી પરીક્ષાને કારણે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો હોય તેવી માહિતી મળી રહી છે। वर्ष 2010 मुंबई थी वलसाड आवी रहेला टंडेल परिवार ने महाराष्ट्र कांसा नजीक नेशनल हाईवे पर अकस्मात नड्यो हतो जेमां हितेश टंडेल नुं मौत निपजू हतुं। हितेश टंडेल ना मौत बाद तेमनी पत्नी रत्नाबेन टंडेले वीमा कंपनी सामे वीमो मेळववा माटे केस कर्यो हतो। पतिना मृत्यु समय रत्नाबेन टंडेले गर्भवती हता अने दीकरीने जन्म आप्या बाद तेमनुं पण मौत निपजू हतुं। आ माता पितानी छत्रछाया गुमावनार दीकरी अनाथ बनी हती परंतु 12 वर्ष बाद दीकरीना हकमां न्याय आव्यो हतो। दीकरीना हकमां वलसाड कोर्टे चुकादो आप्यो हतो। वीमा कंपनी सामे 12 वर्षनी दीकरीए जंगी जीत हती अने कोर्टे वीमा कंपनीने 4.30 करोड़ दीकरीने आपवानो आदेश कर्यो छे। सिमको सनलाइट पेंट्स, सिमको सनलाइट पेंट्स, कविन साफ्टर मशीन थी कलर बनावनार, नवीन घर ने सुशोभित करवा एक बार अवश्य मुलाकात लो। सिमको सनलाइट पेंट्स, सिमको सनलाइट पेंट्स। होळीना पावन पर्व पर महुआमां दुखद समाचार सामे आव्या। महुआ तालुकाना कटेकड़ा गाममां एक साथ 3 बाळकों इलेक्ट्रिक शॉट लागता घटनास्थळे मृत्यु पाम्या छे। आ घटना बाद आखा गाममां गमगीनी छवाई गई छे। मृतकोना परिवारमां आघातनी लागणी छवाई गई छे। आ अंगे मळती माहिती प्रमाणे घटनामां 2 दीकरी एक दीकरो स्कूलथी घरे जती वखते वाडी विस्तारमां रस्तामां पड़ेली इलेक्ट्रिक वायरने अड़ी जता 3 बाळकोना मृत्यु थया। मृतक बाळकोना मृतदेहने पोस्टमोर्टम माटे हॉस्पिटलमां खसेडवामां आव्या छे। आ घटना अंगे पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। मृतक विद्यार्थीना नाम नीचे प्रमाणे छे। कोमल मगनभाई चौहान उम्र वर्ष 12, नैतिक कनुभाई जांबुचा उम्र वर्ष 12, प्रियंका कनुभाई जांबुचा उम्र वर्ष 10। દિયોદર પે કેન્દ્ર શાળા નંબર 2 દ્વારા તારીખ 3 થી 6 માર્ચ સુધી 4 દિવસના શૈક્ષણિક પ્રવાસ સૌરાષ્ટ્ર તરફનું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં બાળકો દ્વારા અનેક સ્થળોની મુલાકાત કરવામાં આવી। દ્વારકા, બેટ દ્વારકા, નાગેશ્વર મહાદેવ તેમજ હરસિદ્ધિ માતા તેમજ પોરબંદર ગાંધીજીના જન્મસ્થળની મુલાકાત, સુદામા મંદિર પોરબંદર તેમજ માધવપુર
તેમજ ગીર સોમનાથ સોમનાથ મહાદેવ તેમજ જૂનાગઢ ગિરનાર થળેટી પ્રાણી સંગ્રહાલય જૂનાગઢ કિલ્લો પરબધામ ખુડલધામ વીરપુર ચોટીલા તેમજ સવા ભગતની જગ્યાના દર્શન અને શૈક્ષણિક હેતુ પૂર્ણ કરેલ છે। ખૂબ જ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે પ્રવાસ સંપન્ન થયો। દેવદા તાલુકા ભાજપના યુવા કાર્યકર શ્રી સિક્કે શાહની સુપુત્રી સંયમી એઝી જીવી વાઘેલા કોલેજમાં બેસ્ટ સ્ટુડન્ટનો એવોર્ડ મેળવી ગૌરવ વધાર્યું છે। સમાજશાસ્ત્રની વિદ્યાર્થી વિશેષ કુમારિકા સંયમીએ મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા મેળવી છે।